मात्र 20 रुपए में हम सफर करेंगे रैपिड ट्रेन का। हमने टिकट लिया गुलधर की, लेकिन हम चलते हैं और आगे। हेलो सर, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है शादी खन्ना व्लॉग विदाउट एनी स्पेस। तो मेरे नए व्लॉग में सबका स्वागत है। आप देख रहे होंगे, अरे ये कहां पर आ गई है, पीछे इतना ब्यूटीफुल सा व्यू है। नहीं नहीं ठहरो ठहरो, मैं कहीं बाहर नहीं आई हूँ, मैं आ गई हूँ आपको आज लेकर RRTS रेल का, रैपिड रेल का सफर कराने के लिए। इस टाइम आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो है गाजियाबाद का मेट्रो स्टेशन। तो व्यू तो खैर बहुत ही अच्छा है, इंटरनेशनल टाइप्स ऑफ व्यू है। और ये जो है ये पार्किंग एरिया में खड़ी हूँ इस टाइम, तो सफर कराते हैं रैपिड रेल का। और प्राइस सुन के होने वाले हैं आप हैरान, मात्र 20 रुपए में हम सफर करेंगे रैपिड ट्रेन का। तो आइए दिखाती हूँ मैं कि कैसे कर सकते हैं और क्या क्या इसमें क्वालिटीज हैं, क्या क्या हमें फैसिलिटीज मिलने वाली हैं इस ट्रेन के अंदर, सब कुछ बताने वाली हूँ मैं आपको। तो वीडियो को देखना एंड तक, तो चलिए मेरे साथ। तो ये है एंट्रेंस, तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या हमें फैसिलिटीज मिलने वाली हैं इस रैपिड रेल में। इसको बुलेट ट्रेन भी कह सकते हैं आप। एक्चुअली जो इसकी स्पीड है ना, वो जब टेस्टिंग हो रही थी तो इसकी स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर इन्होंने टेस्ट की थी। और अब हम स्पीड भी चेक करने वाले हैं यहाँ पर, इस ट्रेन की स्पीड क्या है, एक्चुअल स्पीड वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो होने वाली है बड़ी ही इंटरेस्टिंग। तो हम भी चलते हैं ऊपर। यहाँ पे सारा जैसे DMRC में था ना, दिल्ली मेट्रो में मिलता है आपको एक्सलेटर, स्टेयर्स, लिफ्ट, सब कुछ मिलने वाला है। तो हम चलते हैं ऊपर, देखते हैं स्टेशन कैसा बनाया है इन्होंने। सो हम आ गए हैं ऊपर। एक्चुअली थर्ड फ्लोर पर आना पड़ेगा आपको गाजियाबाद, क्योंकि काफी ऊपर बना हुआ है। और सामने में उधर दिखा देती हूँ आपको, वो देखो अभी ना मेट्रो नजर आएगी आपको, दिल्ली मेट्रो यहाँ से प्रॉपरली नजर आने वाली है। देख रहे हो, मतलब ये स्टेशन जो है ना गाजियाबाद का रैपिड ट्रेन का, उससे भी ऊपर बना हुआ है। तो देख रहे हो आप, ये रेड लाइन है जो कि जा रही है यहाँ से गाजियाबाद वाले, जो यूपी वाली है। तो आइए मैं आपको और दिखाती हूँ कि यहाँ पर हमें क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाली है। फर्स्टली यहाँ पर वेंडिंग मशीन, टिकट काउंटर एक बार बता देती हूँ, मेरे पीछे टिकट काउंटर है। कार्ड मतलब कैसे भी आप पे कर सकते हो, ऑनलाइन, कैश, UPI। और ये है वेंडिंग मशीन जिससे आप टिकट निकाल सकते हो। चलो टिकट निकाल के दिखाते हैं यार मैं आपको। देखो तो स्क्रीन ये होने वाली है ऐसे, बाय टिकट NCMC ऑपरेशन। तो ये करेंगे क्लिक। अच्छा यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं दो ऑप्शन, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। तो मैं चूज करने वाली हूँ स्टैंडर्ड जर्नी अपनी। सो ये आ गया है, आप यहाँ पे डेस्टिनेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गुलधर सिलेक्ट कर रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे। भाई ये 20 रुपीज की टिकट मिलने वाली, कहा था ना मैंने 20 रुपए में सफर कराऊंगी, तो ये 20 रुपीज। सो मेरे को कितनी टिकट चाहिए ये पूछ रहा है, तो ये मुझे चाहिए 1। अच्छा ऑप्शंस आप देख रहे हैं, UPI, बैंक कार्ड, वॉलेट और बैंक नोट भी इंसर्ट हो सकते हैं। तो मैं करने वाली हूँ UPI। और यहाँ पर स्कैनर आ जाएगा, तो ये स्कैन करने वाली हूँ मैं। स्कैन कर लिया, तो स्कैन करके हम लोग पे कर सकते हैं। तो सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं, अगर आपके पास कैश हो या ना हो, सब कुछ मिलने वाला है। यहाँ देखो ओके आ गया कि भाई यहाँ पर आपकी पेमेंट रिसीव हो चुकी है, और यहाँ पर ट्रांजैक्शन बीइंग प्रोसेस, और यहाँ से निकली है हमारी टिकट। तो ये रही टिकट, और उस पर सब कुछ मेंशन होगा कि आपने कहाँ जाना है और कितने रुपए की, 20 रुपए की मिलने वाली है रैपिड ट्रेन की टिकट आपको। सो मैंने वेंडिंग मशीन से टिकट ले ली, लेकिन अगर आपको वेंडिंग मशीन से टिकट नहीं लेनी है, तो पीछे टिकट काउंटर नजर आ रहा है आपको, वहां से आप वहां से भी टिकट ले सकते हैं, जैसे आप दिल्ली मेट्रो में लेते हैं ना वैसे ले सकते हैं आप आराम से। तो चलते हैं, अपनी जर्नी शुरू करते हैं रैपिड ट्रेन की। यहाँ पर है एंट्री, तो टिकट को यहाँ पर ऐसे स्कैन करो और आपकी एंट्री हो जाएगी, जैसे दिल्ली मेट्रो में बने हुए हैं ना, सेम वैसे ही आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर। तो ये है बुलेट ट्रेन जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये तो हमने खैर छोड़ दिया है, मैं तो पूरा प्रॉपरली आपको बताने वाली हूँ कि प्लेटफॉर्म पे आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो ये अब बंद हो चुके हैं डोर और ये जा रही है, मैं दिखा देती हूँ जाती हुई आपको। ये फटाक से आई है और ये फटाक से ही चली गई है, और एक ट्रेन वहां से उस स्टेशन पे आ गई है, जिन्होंने साहिबाबाद जाना है वो आगे चले जाएंगे, हमने जाना है गाजियाबाद के नेक्स्ट स्टेशन इस साइड। तो हम इसलिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़े हैं। तो ट्रेन का जो डिजाइन है ना,
एक्सप्रेस सीरियसली कह रही हूँ बहुत ही बढ़िया। और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ जो कि ऑनलाइन भी अवेलेबल है, जो ये ट्रेन का डिजाइन की गई है वो हैदराबाद में करी गई है और ये जो मैन्युफैक्चर हुई है ये हुई है गुजरात में। तो ये प्रॉपरली मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन है, रैपिड ट्रेन है, तो बड़ा ही प्राउड फील करना चाहिए। अगर आप इस टाइम देख रहे हैं इस वीडियो को तो इस ट्रेन को देख के ना बहुत ही ना दिल खुश हो रहा है और बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारा इंडिया इतना आगे बढ़ चुका है कि रैपिड ट्रेन खुद प्रोड्यूस कर रहा है, डिजाइन और मैन्युफैक्चर कर रहा है। मतलब मजेदार फीलिंग आ रही है, बहुत ही बढ़िया प्यारी सी ब्यूटीफुल सी ट्रेन को बनाने की जो लागत आई है ना, मैं आपको बता देती हूँ 31,000 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट की लागत है, जो कि जून 2025 तक एस्टिमेटेड टाइम है वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी ये ट्रेन आ चुकी है और हम नॉर्मल कोच में ही सफर करेंगे, मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि है तो ये फुली ऑटोमेटिक लेकिन जब डोर ओपन होंगे ना, जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे, ये आउटर डोर तो पहले ही खुल जाएगा लेकिन नेक्स्ट क्या होने वाला है तो देखना। तो ये यहाँ पर रुकने वाली है, रुक चुकी है ये ट्रेन। अच्छा ये डोर ओपन हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, लेकिन जब तक आप ये प्रेस नहीं करेंगे ग्रीन, तब तक डोर ओपन नहीं होंगे, तो आपको ये प्रेस करना पड़ेगा। तो ये है हमारी स्टैंडर्ड कोच रैपिड ट्रेन, मजेदार अंदर आके जो फीलिंग आई है ना भाई साहब, क्या मजेदार व्यू है, सीट्स देखकर, कलर्स देखकर, मतलब सब कुछ बताने वाली हूँ आपको। तो आइए थोड़ा सा और चलते हैं अंदर। तो ये आपको सीट्स मिलने वाली हैं, अपने लगेज के लिए आपको ऊपर स्पेस मिला हुआ है, अच्छा खासा सीट नंबर भी डले हुए हैं, जैसे ये 9C9D है, क्योंकि आप ऑनलाइन भी आप इसे बुक कर सकते हैं। और यहाँ पर हर सीट पे आपको मोबाइल चार्जिंग डाटा केबल का फैसिलिटी भी मिलेगी। और थोड़ा सा पीछे ये हैंडल मिलने वाला है आपको, कि ताकि आप खड़े, अगर खड़े होकर सफर कर रहे हैं तो आराम से पकड़ सके, सीटों को पकड़ना नहीं पड़ेगा आपको। और ये एडजस्टेबल हैंडल है, बिल्कुल आप नॉर्मली कैसे कर सकते हैं आप। बाकी मजेदार फीलिंग आ रही है, मैं और दिखाती हूँ भाई आपको, आ जाओ। एक तो ये सीट्स हो गई, एक हो गई ये वाली सीट्स, यहाँ पे भी आपको मजा आने वाला है बैठ के, फीलिंग बहुत बढ़िया आ रही है। यहाँ पर भी आपको मोबाइल चार्जिंग के लिए डाटा केबल का ऑप्शन मिलने वाला है, मतलब एक घंटे का सफर आप मोबाइल चार्ज करना हो मोबाइल चार्ज करो, मजेदार होने वाला है यार ये। तो ये जो हम सफर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं हम स्टैंडर्ड कोच का सफर, मजा आ रहा है यार। स्पीड अभी बनेगी और मैं आपको स्पीड भी दिखाने वाली हूँ कि ट्रेन की स्पीड क्या होने वाली है। तो मतलब व्यू बहुत अच्छा है। बाकी ये जो बटन की फैसिलिटी है ना, वो वही कोच ओपन होने वाला है जिसमें पैसेंजर होगा, जिसको उतरना है या चढ़ना है, या तो ये अंदर पे खुलेगा या ये बाहर वाले पैसेंजर से खुलने वाला है ग्रीन ब्लिंक होके। उसके अलावा ये बंद रहेंगे जो डोर्स ओपन नहीं हो रहे, प्रेस नहीं हो रहे, तो ये भी मुझे काफी अच्छा लगा कि दिल्ली मेट्रो में सारे ऑटोमेटिक गेट्स हैं, पूरे के पूरे खुल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलने वाला है, आपकी मर्जी है, अगर उतरना है तो खोलिए और किसी ने अंदर आना तो खुलेगा वरना नहीं खुलेगा। हमने टिकट लिया गुलघर की, लेकिन हम चलते हैं और आगे। तो हम करने वाले हैं स्पीड टेस्ट, देखते हैं कितना जाती है ये, देख रहे हैं 117 तक तो स्पीड, 126 की स्पीड इसने टच करी है, 129, 131 बढ़ती जा रही है स्पीड, 132, 133, 134, 135, अरे बढ़ती जा रही है मजेदार, क्योंकि बिल्कुल सीधी चल रही है तो इसमें स्पीड ज्यादा आपको कैप्चर होने वाली है। तो फिलहाल ये ना जब प्रॉपरली बिल्कुल सीधी चलेगी ना तो और ज्यादा स्पीड ग्रैब करेगी, तो 136 तक तो टच कर दिया है। सो यहाँ पर सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल है। बाकी ये जो हैंडल है ना, ये आप एडजस्ट कर सकते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको आगे। और यहाँ पर आप अपना फोन मैगजीन वगैरह रखने के लिए स्पेस दिया गया है, स्लॉट तो आपको मोबाइल चार्जिंग का हर सीट पे मिलने वाला है। तो ये होने वाला है स्टैंडर्ड सफर, तय कर लिया है हमने। अब हम चलते हैं अपने प्रीमियम सफर की तरफ, तो आपको प्रीमियम कोच दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या आपको फैसिलिटीज मिल रही है और एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड और प्रीमियम क्या डिफरेंस होने वाला है। तो आइए चलते हैं। तो अब हम करने वाले हैं एग्जिट, तो सेम प्रोसेस, जब तक लाइट ग्रीन हो जाएगी इसके अंदर तो आपको प्रेस करके ओपन करना है इस बटन को। हर आउटर तो खुल जाएगा लेकिन इनर तभी खुलेगा जब इधर या उधर से पैसेंजर प्रेस करेगा, अदरवाइज गेट नहीं ओपन होने वाला है। जैसे आप देखेंगे आउटर खुल जाएगा पहले ही,
तो यहाँ पे एक ग्रीन लाइट आ जाएगी, ये देखिए, तो यू हैव टू प्रेस, तभी ओपन होने वाला है। तो हमने प्रीमियम कोच में एंटर कर लिया है, जिसके लिए मैंने डबल पे करा है। तो यहाँ पर कंफर्टेबल सीट्स मिलने वाली हैं आपको, मतलब गद्दे वाली, नॉर्मल वाली जैसे स्टैंडर्ड में था वैसे नहीं है। और यहाँ पे एक और प्लस पॉइंट मिलेगा आपको प्रीमियम कोच में, अगर आप सफर कर रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, आपको ये जो फूड वेंडिंग मशीन मिलने वाली है उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं। लेज मिलने वाला है, ड्रिंक मिलने वाला है, कोका कोला, रियल जूस, चॉकलेट्स भी हैं इसके अंदर। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ कि लेते कैसे। चलो एक आइटम ले लेते हैं, जैसे मेरे को अगर लेना है रियल जूस लीची फ्लेवर, तो 34 पे है, तो मैं यहाँ पर 34 प्रेस करूंगी तो वो आइटम आ जाएगा, वो कनेक्टिंग हो रहा है अभी। QR कोड यहाँ पर शो होगा उसका, जो कि 20 रुपीज का है, तो ये शायद मे भी शो हो चुका है। तो इसको करते हैं स्कैन, देखते हैं क्या दिखा रहा है। स्कैन तो मैंने कर लिया है और इसमें लिखा है न्यूट्री करके नाम भी आ रहा है, तो मुझे पे करने हैं इसमें 20 रुपीज। तो लेट्स सी, पे करते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस मिलने वाला है आपको हर जगह, तो मैंने कर दिया है पे, हमने पे कर दिया है अपनी आइटम के लिए। तो यहाँ से वो आइटम देखो देखो कैसे गिर रही है, ये आ गया ये और धड़म करके नीचे गिर गई है। तो आप यहाँ से उस आइटम को कलेक्ट कर सकते हैं, ये रहा जूस। तो हमने तो जूस लिया, आपका जो मन करे चॉकलेट, लेस, कुछ भी आप ले सकते हैं जो यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी इसे पीते पीते हम लोग वेट करते हैं अपनी प्रीमियम कोच का। देखो भाई ऊपर जा रहा है एयरफोर्स का एरोप्लेन, और ये आ रही है हमारी रैपिड ट्रेन, देख रहे हैं, और ये रहा ऊपर एयरफोर्स का प्लेन। तो दोनों चीजें मैंने आपको साथ के साथ दिखा दी है। हमारी आ चुकी है ट्रेन और ये है प्रीमियम कोच, हर जगह आपको मेंशन होने वाला है। ये गेट वैसे ही खुलेगा, ये देखो प्रीमियम लिखा है, जब तक मैं इसको प्रेस नहीं करूंगी नहीं खुलने नहीं वाला। तो मैंने कर दिया इसे प्रेस, तो हमने एंट्री कर ली है अपने प्रीमियम कोच में। ओहो, तो प्रीमियम कोच का पहला जो मुझे डिफरेंस लगा है, सीट्स कलर ये ब्लू होने वाली है और स्टैंडर्ड की होने वाली है रेड। बाकी ये जो हैंडल्स हैं सेम मिलने वाले हैं, ऊपर हैंग करने के लिए बना हुआ है, लगेज के लिए ऊपर जो दिया हुआ है ये भी सेम दिया हुआ है, और ये सीट्स मुझे काफी अच्छी लगी है इसकी। सो इस बटन का कुछ प्रोसेस है, मैं बताती हूँ क्या है। सीट तो जो हैंडल है वो तो ऊपर नीचे आराम से हो जाएगा, लेकिन ये सीट्स एडजस्टेबल है, जैसे मैं प्रेस करूंगी ये पीछे, मतलब मैं आपको डिक्लाइन नजर आऊंगी, मैं इधर से दिखाना चाहूंगी आपको कि मैं कैसे डिक्लाइन हो रखी हूँ ऐसे करके। मतलब प्रीमियम कोच में आपको ये फैसिलिटी मिलने वाली है, आराम से अपना लेट के सफर करो। एक और चीज दिखाती हूँ, ये व्यू आपको कैसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। और जैसे आपको लगे कि बहुत ज्यादा धूप हो रही है तो मुझे नहीं चाहिए, तो आप ये नीचे कर सकते हैं, मतलब ये बंद हो जाएगा तो डिक्लाइन हो जाएगी। और ये देखो ये कोट हैंग करने के लिए भी आपको बटन मिला हुआ है, यहाँ मैगजीन रख सकते हो, अपनी बॉटल रख सकते हो। और एक और चीज दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो हर सीट के पीछे ना फुट, मतलब पैर रखने के लिए बना हुआ है, आराम से पैर रख के डिक्लाइन कर लो अपनी सीट और आराम से बैठ के अपना सफर तय करो। ये और चार्जिंग स्लॉट हर सीट पे मिलेगा आपको, चाहे वो स्टैंडर्ड हो चाहे वो प्रीमियम हो, लेकिन यहाँ पर आपको स्विच वाला भी मिलेगा डाटा केबल वाले के साथ। तो व्यू बहुत ही बढ़िया है, तो आ जाओ पीछे। तो यहाँ पर अगर लगा है कि मेरा बैग मुझे पकड़ना नहीं है, ऊपर फुल हो रखा है, तो यहाँ पर आप लोग अपना बैग भी रख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ट्रेन के अंदर भी प्रीमियम कोच में आपको देखो ये वेंडिंग मशीन मिलने वाली है, जैसे कि हमने बाहर बाय करा ना वेंडिंग मशीन से, तो यहाँ पर भी आपको ट्रेन में सफर करते करते भी वेंडिंग मशीन मिलने वाली है। मतलब ये होने वाला है बड़ा ही प्रीमियम फीलिंग आ रही होगी, ये सिर्फ आपको प्रीमियम कोच में मिलेगी, स्टैंडर्ड कोच में ये फैसिलिटी नहीं है। सो हम अब एग्जिट करने वाले हैं प्रीमियम कोच से। मुझे काफी अच्छा लगा प्रीमियम और स्टैंडर्ड कोच का जो मैं डिफरेंस बताया आपको, गेट सेम वैसे ही खुलेंगे जैसे स्टैंडर्ड और प्रीमियम में खुल रहे हैं, अलग कुछ भी नहीं है गेट्स का, तो वही प्रेस करना पड़ेगा आपको। बाकी जो मैंने डिफरेंस बताया आपको, अगर आप उसका डबल पे कर रहे हैं तो वैसी फैसिलिटी भी है, लेकिन अगर मेरे को 5-6 स्टेशन जाना है तब तो मैं प्रीमियम कोच की टिकट नहीं लूंगी, लेकिन अगर मुझे लॉन्ग टूर पे जाना है जिसमें मुझे
35 मिनट, 40 मिनट, 55 मिनट, 1 घंटा लगने वाला है। उस केस में तो प्रीमियम कोच बहुत ही जबरदस्त है, बढ़िया है, बहुत सारी फैसिलिटीज है, रिलैक्सेशन मोड में आप सफर कर सकते हैं। बाकी मुझे तो बड़ा मजा आया इस रैपिड ट्रेन का सफर करके। अगर आप भी ट्रेन का सफर, ये नमो भारत ट्रेन का सफर करना चाहते हैं तो एक बार आप जरूर आए, घूमने फिरने के लिए आ जाए ये बुलेट ट्रेन का सफर करने के लिए। तो मैंने ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाई है जो उस ट्रेन को, रैपिड ट्रेन को देख तो पा रहे हैं लेकिन बहुत दूर बैठे हैं, इसका सफर कर नहीं पा रहे हैं। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए। बाकी जिन लोगों ने इसमें सफर किया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको कितना मजा आया, आपने कौन से कोच में सफर किया, प्रीमियम या स्टैंडर्ड। तो यही करते हैं अपने व्लॉग का एंड। वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज उसे कर दीजिए, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना मत भूलना। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए स्वाति खन्ना व्लॉग विदाउट एनी स्पेस। बाय।